आज के दौर में इंटरनेट के बिना रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को इस कदर जकड़ लिया है कि बिना इंटरनेट ऐसा लगता है मानो जीवन संभव है ही नहीं। इंटरनेट पर हमें कई सर्च इंजन मिलते हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं या उसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आजकल गूगल का इस्तेमाल कर लोग हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज के समय में गूगल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन बन गया है। आंकड़ों के अनुसार इस साल 77.52% लोगों की पसंद गूगल है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भले ही लोग गूगल पर कोई भी चीज आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी कभी गूगल पर कुछ चीज भूल कर भी सर्च नहीं करनी चाहिए। यह आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और तो और सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि किसी भी सर्च इंजन पर आप इन चीजों को सर्च नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किन चीजों को सर्च करने से हमें बचना चाहिए। सभी को पता है बम कितनी खतरनाक चीज होती है और इसका इस्तेमाल आतंकवादी या दहशतगर्द ही करते हैं। इसलिए अगर आपने गलती से भी गूगल पर बम बनाने का तरीका सर्च किया या इसी प्रकार की कोई और चीजें सर्च की हैं, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आपको पुलिस पकड़कर जेल में भी बंद कर सकती है। अब बात करते हैं पायरेटेड फिल्मों की। पायरेटेड फिल्मों को लेकर भारत में बड़ा कड़ा कानून है। अगर आप गूगल पर फिल्मों को पायरेटेड करने के बारे में सर्च करते हैं या फिर इस तरह का काम करने की प्रक्रिया को सर्च करते हैं, तो फिर आपको 3 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है और साथ ही आप पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। चाइल्ड पोर्न। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून बड़े सख्त है। यह एक बहुत बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में गूगल पर अगर किसी ने गलती से भी सर्च किया तो पॉस्को एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत जेल भेजा जा सकता है, जिसमें 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए गलती से भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर गूगल पर किसी भी तरह का कुछ सर्च नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन की बात करें तो भारत में अबॉर्शन को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं, इसलिए कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अबॉर्शन को लेकर अगर आप गूगल पर भी कुछ चीजें सर्च करते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई की जा सकती है।